आज हम जानेंगे नेचुरल पॉलिश के बारे में। नेचुरल पॉलिश में किसी भी तरीके का कलर यूज नहीं होगा, सिर्फ लाग दाना और स्पीड से पॉलिश करेंगे। देखिए, यह है आइवरी टीक वुड, यह है टीक प्लाई। टीक प्लाई पर भी करके दिखाएंगे और टीक वुड पर भी करके दिखाएंगे, ताकि आपको दोनों में समझ में आ जाए कि प्लाई पर भी कैसे करना है और लकड़ी पर भी कैसे करना है। लेकिन पॉलिश करने से पहले जो पहला प्रोसेस होता है वो होता है इसकी वुड की शैंडिंग। जब शुरू शुरू में हमारे पास कोई भी पॉलिश के लिए लकड़ी या वुड आता है तो उसमें काफी सारे रफ होते हैं। उस रफ को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? अगर वुड की शैंडिंग करनी है तो सबसे पहले हम यूज करेंगे 60 नंबर, उसके बाद 80 नंबर, उसके बाद 100 नंबर, उसके बाद 120 नंबर, उसके बाद 150 नंबर। आप बारी बारी से लगा देंगे तो स्मूथ हो जाएगा। आप हाथ से भी ऐसे फोल्ड करके लगा सकते हो, ठीक है ना, इस तरीके से ऐसे करके भी लगा सकते हो। अच्छा, इसमें भी काट कर इसी सैंड पेपर को जो मीटर वाली है इसमें लगा के इस तरीके से भी कर सकते हो, और आप सेंडर मशीन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तीन तरीके से आप सेंडिंग कर सकते हो। विनियर पे कभी भी ये मीटर वाली रेगमाल यूज ना करें। ये है वाटर प्रूफ 150 नंबर सेंड पेपर। आप शुरुआत 150 नंबर से कर सकते हैं, 150, 220 या 320, जो शुरुआत है। इन तीनों में से कोई सा भी आपके पास सेंड पेपर हो तो आप इसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको काट कर फोल्ड करके आप इसमें लगा सकते हैं। देखिए, इसमें लगी हुई है 320 नंबर, लेकिन 320 नंबर बहुत ज्यादा स्मूथ होता है ना, तो आप चाहो तो 150 नंबर या 220 नंबर यूज कर सकते हो। और ध्यान रखो, बीनियर के उल्टे साइड में कभी भी सैंड पेपर ना चलाएं, आप सीधा चलाएं। अगर आप सैंडिंग कर लें उसके बाद लागदाना और स्पीड का मिक्सचर सबसे पहले एक बार करना है तो इसको साफ सुथरा कर लें, और ध्यान रखें ग्लव्स पहन के ही इसमें करें, नहीं तो हाथ खराब हो जाएगा। सुंदर रस्से कभी पॉलिश नहीं होती, सिर्फ चमकाया जाता है। हाँ, आप चाहें तो जैसे ये गाला पॉलिश है, ये ब्राउन कलर का, आपको हल्का ब्राउन शेड पसंद हो, जैसे कि देखो इसमें हमने एक बार किया था इसी गाला पॉलिश को, देखिए कितना सुंदर हल्का ब्राउन शेड आ रहा है। और इधर हमने लागदाना और स्प्रिट का मिक्सचर लगाया था एक बार, तो देखिए कितना रेडी स्टोन है, तो दोनों में कितना फर्क है देखो। तो अगर आपको हल्का सा पीलापन, जिसमें हल्का लाल कलर होता है, लेकिन ये नेचुरल है, इसके अंदर कोई कलर नहीं डाला जाता है, और ये देखिए ब्राउन कलर का है, तो देखिए कितना सुंदर एक अलग सा कलर आता है, ठीक है ना, जैसे डार्क इंडियन ओक स्टेनर होता है ना, बिल्कुल वैसा ही। आप इन दोनों को मिक्स करके कर सकते हो, सुंदर रस और लागदाना को। 200 ग्राम लागदाना लेते हैं तो 50 ग्राम सुंदर रस इसमें मिक्स कर सकते हैं। इससे क्या बेनिफिट होगा पॉलिश होने के साथ साथ, क्योंकि ये खुद में इतना चिपक होता है, इसके अंदर इतना मजबूत होता है ये रेजिन, इसके अंदर अगर आप 50 ग्राम सुंदर रस मिला देंगे तो वो और ज़्यादा चमकदार बना देगा आपके पॉलिश को, जो स्प्रिट, और स्प्रिट के अंदर जब आप मिक्स करते हैं तब ये बिल्कुल मेल्ट हो जाता है। धूप में रख दें, या धूप नहीं है तो 2-3 दिन रख दें, अपने आप गल जाएगा, ठीक है, मेल्ट हो जाएगा। जानकारी चाहिए जाके देख सकते हैं, मेरे चैनल पर है। यह है लागदाना और स्प्रिट का मिक्सचर, ठीक है ना, और ये हमने पहले से फिल्टर करके रखा है। अगर आपको इसके बारे में जानना है, लागदाना और स्प्रिट के बारे में, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर इसके बारे में वीडियो बिल्कुल अलग से हमने बना रखा है, आप जाके देख सकते हैं। हमें एक बार लगाना है ना इसमें पाउडर करने से पहले, तो जो फिल्टर करा हुआ है उसको हम ले लेंगे ऐसे, और इसके अंदर थोड़ा सा और स्प्रिट मिला देंगे। हमने इसमें देखो सुंदर रस नहीं मिलाया है, आप चाहो तो थोड़ा सा इसमें मिला के कर सकते हो। लागदाना के अंदर इसीलिए नहीं डालना चाहते क्योंकि नीचे बैठ जाता है, थोड़ा सा सुंदर रस भी डाल देंगे इसमें। देखो डाल दिया, वैसे फिल्टर करना चाहिए लेकिन ऊपर अभी भी साफ है, नीचे बैठ गया इसका गंदगी। थोड़ा सा पतला करने के लिए, क्योंकि धुलाई का हाथ लगाना है ना, तो हम थोड़ा सा इसको पतला करेंगे। देखो देखो, पाउडर लगाने से पहले एक बारी इसमें हम किसी भी तरीके का कलर यूज नहीं करेंगे। देखो किस तरीके से आपको एक बारी पाउडर करने से पहले लगाना है। ये हो गया टीक प्लाई, ठीक है ना। अब हम लगाएंगे टीक वुड पर, आइवरी
कोस्ट टी गुड। देखिए इसे कहते हैं वुड कंडीशनर, यानी कि पाउडर करने से पहले, कुछ भी करने से पहले शुरुआत में एक बार आपको ऐसे साफ सुथरा कर लेना है। अब देखिए ये लगाना क्यों जरूरी होता है, इसके ग्रेन के अंदर ना धूल और सैंडिंग करने की वजह से कुछ भी वो साफ हो जाता है एकदम, देखो क्लियर हो जाता है एक बार पतला करके लगा देने से। अब हम इसमें पाउडर करेंगे पूरे में एक बार और खुद से बना कर करेंगे, क्योंकि अगर आप वुड फिलर यूज करोगे ना, ये देखो सिर्फ रिपेयर के लिए आप यूज कर सकते हो, क्योंकि अगर पूरे वुड में आप लगा दोगे ना तो आप जब सैंडिंग करोगे तो सैंडिंग कर नहीं पाओगे, इतना हार्ड होता है ये। होता तो है देखो मिलता जुलता, लेकिन ये बहुत हार्ड होता है, रिपेयरिंग के लिए इस्तेमाल करें, पूरे में ना लगाएं, ठीक है। अगर आपको नेचुरल टीक वुड पाउडर कैसे बनाना है तो उसके बारे में मैंने बहुत अच्छी तरीके से वीडियो बना के अपलोड कर रखा है, आप देख लीजिएगा। फिर भी मैं शॉर्ट में एक बार फटाफट बता देता हूँ आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो मैं थोड़ा सा बनाकर, क्योंकि देखो हर वीडियो एक नया वीडियो होता है। देखो ये है प्योर पोरबंदर चौक मिट्टी, ठीक है, किसी भी कंपनी का ले सकते हो आप। उसके बाद जितना हमने चौक पाउडर लिया है उतना ही इसमें डालेंगे रोशना, देखिए बराबर बराबर डाल दिया। और एक बार मैं और रिमाइंड करवा दूं, अगर आपको नेचुरल वुड पाउडर कैसे बनाना है इसके लिए अलग से वीडियो मैंने डाल रखा है। अब इसमें हम डालेंगे जर्मन एलो, आयरन ऑक्साइड एलो पाउडर, ठीक है ना, ये डालेंगे हम चौथाई हिस्सा, देखिए इतना। अगर आपने 20-20 ग्राम लिया है तो 5 ग्राम जर्मन एलो भी डाल दें। उसके बाद हम डालेंगे लगभग 2 या 3 ग्राम रेड पाउडर, बस इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे। अब देखिए यह है वरंट टर्की अंबर, यानी कि रेड ब्राउन, पूरी तरीके से ब्राउन नहीं होता है ये, लगभग 2 से 3 ग्राम ये भी डालेंगे। देखिए ये ज़्यादा हो गया, फिर भी इतना ही बनाएंगे तो इसमें हो जाएगा। इसमें पानी डालने से पहले इसको आपस में अच्छे से मिला लें, देखो मिला लिया। अब इसमें डालेंगे पानी और थोड़ा थोड़ा पानी डालें और मिलाते रहें, और इतना भी पानी ना डाल दें कि ये पतला हो जाए, और फेविकोल डालते ही ये टाइट होने लगेगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी मिलाएं और जब तक पेस्ट की जैसे ना बन जाए आप इसको छोड़ना मत, ठीक है ना। जब पेस्ट के जैसे बन जाए तब आप अपने बुड पर लगा सकते हो। और देखो ऐसे खुद बनाकर लगाओगे तो आपको अपनी मर्जी से फेविकोल डालने का फ़ायदा मिलेगा। अगर आपका बहुत बड़ा काम है तो आप बहुत बड़ा वाला फेविकोल खरीद सकते हो, देखो। और ऐसा वाला लोगे तो इसमें उंगली डालने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे आप चला दोगे, दबा दोगे ना, इसे देखो निकल जाएगा, देखो इससे ज़्यादा नहीं देंगे, ये भी हमारे सबसे ज़्यादा हो गया है, फिर भी कटाई हो जाएगा। देखो फेविकोल डाल के जब आप मिलाते हो ना, देखो टाइट होना शुरू हो गया, तो ऊपर से 2-4 बूंद और पानी दे दो। देखो इस तरीके से आप नेचुरल कलर पाउडर बना सकते हो अपने वुड के लिए। इससे क्या होगा, जो छोटा मोटा बारीक ग्रेन के जो ग्रुप खुले रहते हैं वो फील हो जाएंगे। देखो ये बन के रेडी हो चुका है, देखिए पाउडर हमारा तैयार हो चुका है। और देखो सनमाइका के ऊपर अगर आप बनाओगे ना तो किसी भी गीले कपड़े से पोंछोगे तो साफ हो जाएगा, आप धो भी सकते हो, धोने के बाद साफ करोगे देखो क्लियर हो गया, ठीक है ना। कील के निशान होते हैं या कहीं खुले रहते हैं ना तो सब इसमें भर जाएंगे। इस तरीके से लगाने के लिए वुड फिलर ठीक नहीं है,
वो तब लगा सकते हो जब आप जिसमें बीनियर नहीं है या टीक बोर्ड ना हो, जैसे एमडीएफ बोर्ड है। एक हाथ पॉलिश मारने से इसके भी रेशे खड़े हो जाते हैं और इसके भी देखो हल्का खुरदरा हो चुका है। ये देखो इसके ग्रेन बारीक इसके अंदर भर जाता है। बाकी जब आप सेंडिंग करोगे ना 320 नंबर रेगमाल से पूरा कट के ये बाहर आ जाएगा, बस वही रुकेगा जो इसके ग्रुप में होगा। ठीक है ना, ये फायदा होता है जब बारीक रिपेयरिंग होता है ना, वही भरता है। ये बहुत बड़ा रिपेयर हो तब हम वुड फिलर का यूज करेंगे, फिर भी हम रोकेंगे। इस कोने में थोड़ा टूटा हुआ है ना, इसी से ही जितना रुकना होगा रुकेगा। जब पॉलिश लगाएंगे उसके बाद फिर रिपेयर करेंगे। देखिए रुक गया, अगर टूट के गिरता भी है तो इसके बाद हम वुड फिलर से रिपेयर कर देंगे। टीक प्लाई पर आप पतला करके घोल के भी लगाकर पोंछ सकते हो। इसकी सेंडिंग करेंगे 320 नंबर सेंड पेपर से, तो इसको सूख जाने दीजिए। और देखो ये गर्मी के दिनों में ना 30 मिनट के अंदर सूख जाता है। 30 मिनट के बाद आप इसको सेंडिंग कर सकते हो, फिर पॉलिश कर सकते हो। 320 नंबर लगाएं, चाहे आप हाथ से लगाएं काट कर, चाहे आप सेंडर मशीन से करें। देखिए इस तरीके से सेंडिंग करना है। देखो धूल इसमें से खींच लेता है, इसमें इतना फायदा होता है और इतना महीन होता है ना ये, क्योंकि इसमें देखो हर प्रकार के सेंड पेपर मिलते हैं, आपको लाना पड़ता है। बारीक वाला भी आप मार्केट से लाके इसमें लगा सकते हैं। रिपेयर तो कामयाब हो गया। इस कोने में हमने रिपेयर किया था, देखो कितना बड़ा टूटा था, देखो रुक गया। यानी कि बूट फिलर हमें लगाने की जरूरत ही नहीं होगी, अब कहीं रिपेयर बचा ही नहीं है। अब आप इसमें कॉटन फैब्रिक से साफ करो और इसमें जम के पॉलिश लगाओ। देखो एक बार पॉलिश लगाओ, उसके बाद पाउडर करो, फिर सेंडिंग करो। देखो जबरदस्त हो गया, इसके ग्रेन में ही रुके हुए हैं सारे पाउडर, उसके बावजूद भी देखो अभी भी बारीक खुले हुए हैं, तो वो जब आप सीलर लगाओगे ना भर जाएगा। देखो इस तरीके से साफ कर लो। कितना भी बड़ा काम हो लेकिन काम इसी तरीके से होगा, समझ गए ना। ये लॉकडाउन और स्प्रिट का मिक्सचर है, हमने सुंदर रस भी मिलाया। अब देखो इस तरीके से आप सुनिश्चित हो गए कि इसके अंदर किसी भी तरीके का गंदगी नहीं रहना चाहिए। देखो फिल्टर हो चुका है। अब आप इस कपड़े को इसी डब्बे में दोबारा से डाल के रख दो। ये देखो ऐसे सुरक्षित, और देखो ऐसे ही गद्दी देखो हम रख देते हैं, देखो सूखता नहीं है। इसको दोबारा से ऐसे यहाँ रख दो, हो गया। अब इसको हमने कॉटन के फैब्रिक से साफ कर लिया है। अब देखो और ध्यान रखो दूसरे हाथ में एक कपड़ा होना चाहिए ताकि टपके नहीं, इस तरीके से साफ करते रहेंगे। और शुरू शुरू में थोड़ा सा पतला रख सकते हो, क्योंकि पाउडर की कटाई होने के बाद गद्दी के निशान नहीं आने चाहिए। पकड़ के कर सकते हो, छोटा है ना, बार बार भागेगा इधर से इधर, नहीं तो इस तरीके से। और ध्यान रखो गद्दी लेके ऐसे बीच में रोकना नहीं है तो निशान आ जाता है। और शुरू शुरू में थोड़ा पतला ही चलाएं, चलाते चलाते आहिस्ते आहिस्ते इसको मोटा लगा सकते हैं, फिर निशान नहीं आते, इस तरीके से। और देखो एक बार जब आप इधर से ऐसे लगाते हुए इधर आते हैं ना, फिर इधर से लगाते हुए इधर आते हैं, तो उसको बोलते हैं एक हाथ हुआ है, ठीक है ना। इस तरीके से अब इसको सूखने दो। अब ये वाला सूख गया है, ये देखो। अब ध्यान रखो ऐसे ही बारी बारी से लगाते चले जाओ, ठीक है। इस बार हम इसको हिलने नहीं देंगे, इस तरीके से लगाते चले जाएंगे। दो बारी हो चुका है, इसमें भी हम और एक बार लगाएंगे। ये लग गया है। अब दो बार लगाने के बाद थोड़ा इसको सूखने देंगे। सूखने के बाद बीनियर में तो कहीं पे कलर मिलाने की जरूरत नहीं है। जैसे कोई सामान बनता है वहाँ टूटा फूटा होता तो मिला सकते हो अगर, लेकिन ये जो साइड है देखो वाइट वाइट दिखाई दे रहा है, ये इस साइड में, इसमें अब कलर मिला देना चाहिए हमको। क्यों, अगर ज़्यादा पॉलिश चढ़ा देंगे तो ये फिर
ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा और कलर पकड़ेगा नहीं, इसलिए आप फाइनल करने से पहले हम एक बार इसकी कलर मैचिंग कर लेते हैं, लेकिन थोड़ी देर सूखने देते हैं। हम लगाएंगे डार्क इंडियन ओक, तो वॉलनट को हटा देते हैं, एक कपड़ा भी रखेंगे, अगर मोटा कलर लग जाए तो हम पोंछ भी सकते हैं इस तरीके से। हो गया, ये देखिए इस तरीके से व्हाइट लकड़ी को मैच करना पड़ता है। 30 मिनट तक छोड़ दें क्योंकि अच्छे से लकड़ी में सोख लेगा। इसमें लगभग 3 बार हम पॉलिश कर चुके हैं, पाउडर लगाने से पहले एक बार, जो धुलाई का हाथ क्योंकि गिनती पॉलिश में ही होगी इसकी, उसके बाद 2 बार लगाया हाथ से, हल्के हाथ से इस तरीके से सिर्फ इसके रफ को काट लेना। देखो स्मूथ हो गया, हल्के हाथ से, कभी कभी हाथ का भी इस्तेमाल करो। देखो हो गया स्मूथ, इसमें भी हल्के हाथ से, और देखो जिधर गिरे ना उधर ही लगाना, इस तरीके से दबा के नहीं लगाना, सिर्फ रफ को काटना है। देखो ये लगाना क्यों चाहिए, 2 से 3 हाथ पॉलिश लग जाए, क्योंकि अगर कहीं मोटा मोटा लगा होगा तो उसको काट के ये ठीक कर देगा। अब जब हम इसमें दोबारा फिर पॉलिश लगाएंगे ना, देखिए अब हम ऐसे लगा भी रहे हैं तो निशान नहीं हो रहा। देखो ये पॉलिश कट के आ जाता है, जो एक्स्ट्रा होता है ना इसमें लगा हुआ फालतू सारा कट जाता है, इसीलिए 3-4 हाथ पॉलिश लगाने के बाद एक बार सेंडिंग कर लें। दूसरे हाथ में कपड़ा जरूर रखें, आप इस तरीके से लगा दें। देखो सेंडिंग करने के बाद अगर आप करोगे तो देखो बहुत तेजी से चलता है, गद्दी सीधी आनी चाहिए और बीच में रुकनी नहीं चाहिए। रुक के करना है तो फिर बहुत पतला चलाएं, फिर लगातार शुरू से लेकर अंत तक पतला पतला करके, भले ही 2-3 हाथ और फालतू आपको पॉलिश लगाना पड़े। और देखो इधर से आए हम इधर, अब इधर से उधर जा रहे हैं, देखो बीच बीच में हमें रुकना पड़ता है क्योंकि आपको बताने के लिए। यह है आइवरी कोस्ट टीक वुड, चाहे आप वुड में करें या टीक प्लाई पे करें, देखो तरीका एक बराबर है। अब इसको सूखने दो, फिर एक बार करो, जब हल्की शाइनिंग आ जाए तब समझ लो कि पॉलिश हो चुकी है। कलर मैचिंग किया तो प्यार से पॉलिश को रख दे, मोटा मोटा भी ना लगा और रगड़े भी नहीं, जब सूख जाए फिर बाद में आप कैसा भी कर सकते हो। 5-5 बारी लग चुका है शुरू से लेकर अभी तक, और हल्की शाइनिंग आ भी चुकी है इसमें। और ध्यान रखो एक बार लगाने के बाद 30 मिनट के बाद फिर दूसरा कोट लगाएं, मतलब हर कोट के बाद 30 मिनट का गैप रखना चाहिए, ठीक है ना। इस तरीके से लगा देंगे, 6ठी बार हम लगा रहे हैं, इस तरीके से लगाते चले जाए। इस तरीके से सुखा सुखा के पॉलिश लगाते चले जाए। देखो 30 मिनट के बाद फिर हम एक बार और लगाएंगे, जरूरत होगा 30 मिनट के बाद फिर एक बार लगाएंगे। देखिए वुड में तो 7 बार में शाइनिंग आ चुकी है, देखो ये देखो शाइनिंग आ चुकी है, ठीक है ना। देखो 7 बार में, फिर भी हम एक बार और लगाएंगे। अच्छा इसमें देखो कहीं कहीं शाइनिंग है और कहीं कहीं नहीं है, ये नहीं कि जबरदस्ती बस लगा ही जाना है। ये 8 बारी हो रहा है, टीक प्लाई बिनियर में हम एक बार और लगाएंगे, सूखते जाए करते जाओ। 30 मिनट के बाद ये सूख जाए तो आप एक बार और कर सकते हैं, तो इस तरीके से करते चले जाओ। ये 9 बार हो चुका है टीक प्लाई के बिनियर पर, इसके बाद हम इसको सूखने देंगे और अपोक्सी लगाएंगे। वुड में हम नहीं करेंगे क्योंकि इसमें शाइनिंग आ चुकी है, देखिए आइवरी टीक वुड में, और ये बिनियर में एक बार ज़्यादा करना पड़ा हमें, लेकिन 9 बार करना पड़ा, पूरा शाइनिंग आ चुका है इसमें। अब हम नहीं करेंगे, अब इसे एक दिन सूखने के लिए छोड़ देते हैं, अब कल इसमें हम अपोक्सी लगाएंगे। पॉलिश होने के बाद 24 या 48 घंटे छोड़ दीजिए, तो हमने भी 48 घंटे के लिए इसको छोड़ दिया था, अब ये अच्छे से सूख चुका है। अपोक्सी लगाने से पहले हल्के हाथों से सेंडिंग कर लीजिए इस तरीके से, और ध्यान रहे पॉलिश जब कंप्लीट हो जाए तो इसको अच्छे से सूखने दीजिए, ताकि लकड़ी पर
अच्छे से बैठ जाए या वुड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए, मतलब पूरी तरीके से सूख जाए। और इस तरीके से, और जब देखो अच्छे से सूखता है ना तभी ऐसे कटाई होता है, वरना नहीं होता है। देख रहे हो ना, अगर ये गीला होता तो ये कटता नहीं। इस तरीके से सैंडिंग कर लेंगे। देखो ये छोटा सा पीस है, करके दिखाना बहुत आसान है, ठीक है। जिस तरीके से डिजाइन कहीं पे भी छोटे से पीस में बना के दिखा देते हैं, बहुत करना आसान है, लेकिन जब बड़ी किसी चीज पे करते हैं तो उसमें बहुत मेहनत होती है और होशियारी से करना पड़ता है। ये तो सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। और देखो जो एक्स्ट्रा होता है ना पॉलिश, वो कट के आ जाता है, इसलिए हल्का सैंडिंग करते रहना चाहिए। 320 नंबर सेंड पेपर से जब सैंडिंग हो जाए तो इसको एक कॉटन के फैब्रिक से साफ कर लेंगे। इस तरीके से साफ कर लीजिए इसको भी, अच्छे से साफ हो गया। इसको रखो, इसको भी साइड में रखते हैं। इसको इस तरीके से पहले ऐसे करो, कर लिया। अब इसको बाहर की तरफ खींचो, देखो देखो आ गया, ये भी बाहर की तरफ खींच लो, आ गया। ये बेस है और ये हार्डनर है, ये बराबर बराबर डालेंगे। देखो इसका ढक्कन खोल लिया, अब देखिए इसके अंदर भी एक है ये, और इस तरीके से खोल लेंगे बस। अब पूरा निकाल नहीं देना है इसको, ठीक है ना, जितना हमें चाहिए लेके फिर हम इसको बंद कर देंगे। ये नापने के लिए है, इसको भी इस तरीके से खोल लीजिए, देखिए ऐसे। ये हार्डनर है, ये भी हम लेंगे 10 ml। देखिए रहने दो, अब देखो 10 ml बेस और 10 ml हार्डनर अपोक्सी। अब हम इसमें लगा के दिखाएंगे कॉटन फैब्रिक से। आप चाहो तो स्प्रे से भी कर सकते हो, अगर स्प्रे से करोगे तो थोड़ा सा इसमें आप थिनर दे सकते हो। देखो 5 ml तो एक बार में इसके अंदर चला गया कॉटन फैब्रिक में। देखो इस तरीके से जब पॉलिश हो जाए तब हम एपॉक्सी लगा देंगे। ये अंदर की पॉलिश को भी सुरक्षित कर देगा, और एक लेयर के जैसे चढ़ गया ना ऊपर, जब आप सीलर लेकर करेंगे ना उस, अभी एक बार हमने कर दिया, ठीक है। अब जब सूख जाएगा तो एक बार हम और करेंगे, दिखाओ उसको। देखिए अपोक्सी, लेकिन हम दो बार करेंगे, ठीक है ना। ये देखो इस तरीके से कर दें आप, और देखो कपड़े से कितना सुंदर हो रहा है। स्प्रे से करते तो ज्यादा मोटा चढ़ता, लेकिन इसीलिए हम 30 मिनट के बाद एक बार और कर देंगे और इसको ढक के रखेंगे। देखो ऐसे डिब्बे बहुत काम के होते हैं, देखो इस तरीके से इसको बंद कर दो ताकि ये उड़ ना जाए, ठीक है ना। और जब देखो मौसम नमी हो ना तो पॉलिश का काम नहीं करना चाहिए, नहीं तो वाइट वाइट हो जाता है, इतना ध्यान रखना। अब इसे सूख जाने दो, इसी को ही हम दोबारा कर देंगे। थोड़ा सा ही बनाया हमें जितना चाहिए, अब इतना ही है इसके अंदर कि हम एक बार और कर सकें। इस तरीके से रख देना और फिर दबा दो आहिस्ते आहिस्ते, ये अंदर चला जाएगा। देखो चला गया, कितना बढ़िया, सुरक्षित है। इसी तरीके से देखो जैसे हमने लिया था ऐसा बंद कर दिया, अब इसको भी ऐसे अंदर कर दो, देखो चला गया, देखो फर्स्ट क्लास, इतना बढ़िया। और हमेशा ध्यान रखो जैसे हमने लगाया है ना पॉलिश होने के बाद अपोक्सी, अब आप भी लगाओ, चाहे ब्लैकर पॉलिश करो, मेलामाइन करो या प्यू करो, ठीक है। अब इसके ऊपर जो है एक बार और करेंगे, उसके बाद सीलर करेंगे। इसको 45 मिनट के लिए छोड़ दिया था, लगभग 45 मिनट होने जा रहे हैं। अब हम दूसरी बार एक बार और कर देंगे, देखिए इसमें कितना शाइनिंग आ जाता है, जैसे प्यू पॉलिश करते हैं ना आप अभी से। लेकिन क्या है कि इसका ग्रुप बहुत खाली है, लेकिन सीलर बहुत कम लगेगा।
एक बार गद्दी से चलाने से कहीं छूट रह जाता है तो जब दूसरी बार आप लगाएंगे तो वो कंप्लीट हो जाता है और हो जाता है। अब जब सूख जाए तब आप सीलर लगा सकते हैं। देखिए देखिए इसमें लिखा है ना SL सीलर, इसमें हम प्यू करके दिखाएंगे तो प्यू का सीलर लगाएंगे इसमें, ठीक है। अब इसे सूख जाने दीजिए, जब हम सीलर लगाएंगे तब हम बताएंगे। इसे सैंडिंग कर लो और सैंडिंग करने के बाद तभी सीलर लगाना। हाथ से करोगे तो आप कभी भी अपोक्सी में थिनर मत मिलाना, क्योंकि हमने मिला के करके देखा है सही नहीं होता है। अगर आप स्प्रे मशीन से कर रहे हो ना तब आप मिलाएं, तो पानी से भी कर सकते हैं। देखो सैंड पेपर अगर चेंज भी करना पड़े चेंज करेंगे, कि कटाई करना भी एक कलाकारी है, स्मूथ ऐसे ही नहीं होता है, मेहनत करना पड़ता है। देख रहे हो कितना नस खाली रहता है इसका, इसको थोड़ा और सुखाना चाहिए था, क्योंकि ये ऐसा क्यों हो जा रहा है, इसका मतलब है अभी थोड़ा सा ये नमी होगा इसके अंदर। डिब्बे पे तो लिखा होता है 2 से 3 घंटे, लेकिन एक दिन इसको छोड़ना पड़ता है, हमें ये लगता है करके एक दिन छोड़ दो अच्छे से सूख जाए तो और अच्छे से फिनिशिंग हो जाए। अब ये पूरी तरीके से हो चुका है, ये सीलर लगा सकते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से ये देखो शाइनिंग गायब हो चुकी है दोनों, ये देखो। अभी कपड़े से साफ कर देते हैं इसको, साफ करके इसमें आप सीलर लगा सकते हैं। तो सैंडिंग का आपने देखा है ना कितनी मेहनत होती है सैंडिंग करने से, इसकी जो ऊपर से जो शाइनिंग होती है ना वो ख़त्म करना पड़ता है, नहीं तो सीलर जब हम लगाएंगे ना तो अच्छे से बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा, तो उसी की वजह से ऊपर की जो हल्की शाइनिंग होती है ना वो निकालनी पड़ती है। अब आपको पता लग रहा है ना जहाँ जहाँ से ये शाइनिंग दिखाई दे रही है ना, इसका मतलब वहाँ वहाँ पर डाउन है, ठीक है ना। अब ये सीलर से भर जाएगा, लेकिन बीनियर में अपोक्सी लग जाने के बाद और सेंडिंग होने के बाद देखिए बहुत ही कम अब ग्रुप बचे हैं, ठीक है ना। ये देखो जहाँ जहाँ शाइनिंग है ना थोड़ी थोड़ी, तो बहुत ही कम, लेकिन बुड में ज़्यादा है। देखो जहाँ जहाँ शाइनिंग है इसका मतलब वो डाउन है, तो आप सीलर में ठीक हो जाएगा। अब हम सीलर बना के दिखाते हैं, होता है ना बैमले का तो बहुत ही गाढ़ा होता है ये, इससे हम नाप के डालेंगे। यह है 40 ml का है ना, 3 घंटे तक ये सुरक्षित रहता है, उसके बाद ये खराब हो जाएगा क्योंकि इसमें हार्डनर डल जाता है ना। तो देखिए हम 40 ml डाल दिए, इसे तो जो रुका रहेगा अंदर चला जाएगा। हमने इसमें 40 ml ले लिया हार्डनर, इस तरीके से इसको हटा लीजिए और देखिए हाथ में लग गया तो हाथ को फाड़ देगा ये, क्योंकि तो टीन होता है ना ये पतला। ये देखो इस तरीके से खोल लें, अब ये खुल चुका है, जिस तरीके से खोला फिर उसी तरीके से फिर लगाना भी है इसको। 10 ml हार्डनर हमने इसमें डाल दिया, देखिए 50 ml सीलर में हम मिलाएंगे 15 ml थिनर, 3 घंटे के अंदर लगाना है इतना, और इतने में लेमिनेट हो जाएगा। 50 ml बहुत होता है, ये देखिए ये सीलर है। देखिए जब अपोक्सी सूख जाए सेंडिंग करो और फिर इसको इस तरीके से सीलर को लगा दो, ठीक है ना। अब एक बार लगा दिया, बाद में हम इसको ऐसे टच करके देखेंगे कि ये सूखा है या नहीं। स्प्रे से करते तो एक बार में ही क्रिस क्रॉस मारते ना, एक बार इधर से मारते हुए आते और एक बार इधर से मारते, तो ये एक ही बार में सीलर हो जाता। अपोक्सी जब सूख जाए अच्छे से सैंडिंग करना है, आपने देखा है ना कितना मेहनत होता है सैंडिंग करने में। ये देखो इस तरीके से सीलर भी आप हाथ से भर सकते हो।
पीयू सीलर। अब ये सूख जाएगा तब हम करेंगे, अच्छे से सूख जाएगा। और ये देखो ये 3 घंटे के अंदर इसको हमें लगाना है, अगर हम नहीं लगा पाए तो इसको हमें फेंक देना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान रखो इसको अलग बंद करके रख दो ताकि हवा में उड़ेगा, ठीक है। और इस डिब्बे को भी आप बंद कर दो। देखो ऐसे डिब्बे अगर रखोगे ना तो बहुत फायदा होता है, इस तरीके से, ठीक है ना। ये देखो ऐसे बंद करके रख दो, अब इसे सूखने दो अच्छे से, उसके बाद इसमें दोबारा फिर करेंगे। 1 घंटे में टच करके हमने देखा तो ये सूख चुका है। दूसरी बारी कर देते हैं। और जैसा कि हमने पहले ही बताया, जब आप बनाते हैं ना सीलर तो ये 2 से 3 घंटे में ये जो है हार्डनर डला हुआ रहता है ना, तो ये खराब हो सकता है, फिर इसे फेंकना पड़ता है। तो आप क्या करें कि इसको 2 से 3 घंटे के अंदर लगा दें। सेंडिंग तो करना ही है, जैसे हो भी हो लगा दो इसको। अभी 1 घंटे के बाद हम दूसरा कोट लगा रहे हैं और फिर 1 घंटे के लिए इसको छोड़ देंगे, फिर एक बार लगाएंगे, उसके बाद फिर नहीं लगाएंगे, फिर इसको 1 दिन के लिए छोड़ देंगे। स्प्रे से करते तो एक बार में ही हो जाता फिनिशिंग। देखिए गीले रहते रहते थोड़ा सा हम जैसे बैमले का सीलर में थोड़ा इधर उधर कर देते ना, वैसे हमने कर दिया। अब जैसे देखो 2 बारी लग चुका है, ठीक है ना। अब 1 घंटे के बाद फिर 3री बारी कर देंगे, क्योंकि तब तक ये सुरक्षित रहेगा और इतना ही बचा है कि 3री बारी और एक बार कर सकते हैं। उसके बाद 1 दिन के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद सेंडिंग करेंगे, फिर दूसरे दिन हम इसमें प्यू करके दिखाएंगे। सूखने दो। सेंडिंग करेंगे, प्यू लगाकर दिखा देंगे, फाइनल हो जाएगा। आपको लगातार चलाना है। स्मूथ हो गया, सफेद सफेद निकलता है। सीलर की कटाई किस तरीके से करना है, अपॉक्सी के बाद सीलर लगाएं, बिल्कुल भी नस खाली नहीं है। अब थोड़ा बहुत है देखो साइड में, तो इसको भी हम और काट सकते। देखो जैसा हमने किया ना, आप ऐसा ना करें, आप एक बार सुखाएं, सेंडिंग करें, फिर एक बार सीलर करें। स्प्रे से प्यू कर सकते हैं, हाथ से भी कर सकते हैं, स्प्रे से भी कर सकते हैं, इसको पानी से भी कटाई कर सकते हैं। बहुत ही तेज रगड़ोगे ना तो नीचे से भी गर्म होके निकल जाता है, ये देखो। और ये तब होता है ना जब आप एक बार सीलर भरते हो और एक ही बार में फिनिशिंग देने की कोशिश करते हो, इसलिए 2 बार सीलर भरें, तो फिर जब सेंडिंग करोगे ना तो ऐसा नहीं होगा। एक ही बार में फिनिशिंग देने से देखो यहाँ पर कुछ ज्यादा ही घिस गया है। एक बार सूख जाए, आप सेंडिंग करो, फिर एक बार सीलर भरो, तो ऐसा नहीं होगा। जैसे ये हो गया, देखो हमारे साथ ऐसा होता है तो हम बताते हैं। और अगर आप एक्सटीरियर में प्यू पॉलिश करना चाहते हैं तो लाकदाना ज्यादा यूज ना करें, कम से कम इसमें लाकदाना लगाएं, क्योंकि ज्यादा लाकदाना लगाओगे ना तो रिएक्शन भी हो सकता है धूप में, ध्यान रखना। इंटीरियर में कोई फर्क नहीं पड़ता।
फाइनल होने के बाद ऐसा दिखेगा, और धूल मिट्टी उड़ता रहता है। ये सूखने में टाइम लगेगा, अगर इसमें रफ आ जाए तब आप रबिंग कंपाउंड और वैक्स का इस्तेमाल करें, वरना फाइनल हो जाता। और एक बात का ध्यान रखो, ये एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों मिलता है एपीयू, आप एक्सटीरियर ही खरीदें, अंदर बाहर दोनों जगह कर सकते हो। और अगर बाहर प्यू करवाना है ना आपको एक्सटीरियर में घर के बाहर, तब आप लाकदाना का कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि ज़्यादा लाकदाना का इस्तेमाल अगर घर से बाहर की पॉलिश में इस्तेमाल करोगे ना तो कहीं केमिकल रिएक्शन ना हो जाए लाकदाना के अंदर, क्योंकि हो सकता है, क्योंकि इसमें भी एक दो जगह हुआ था इसीलिए मैं बता रहा हूँ। जो जो हमारे साथ होता है हम वही बोलते हैं। और सीलर का ध्यान रखो, एक बार सीलर करो, जब सूख जाए तब उसको सेंडिंग करो, सेंडिंग करने के बाद फिर एक बार सीलर करो और अच्छे से सूखने दो, उसको 6-7 घंटे छोड़ दो एक एक बार करके, और स्प्रे से करो। देखो स्प्रे का काम स्प्रे से ही करना चाहिए, हाथ से करोगे तो वो वीडियो बना के हम देखो छोटे छोटे पीस पर, ये तो सैंपल है हमें तो किसी को दिखाना है, लेकिन जब पूरा काम होगा तब तो स्प्रे से ही होगा ना। इसीलिए हमेशा दिमाग में ये रखो, जो हम लोग वीडियो बना के आप लोगों को दिखाते हैं ना, तो उसके जाल में ना फंसो कि देखो कितना चमक दमक है, चमक दमक है लेकिन ये स्प्रे से करोगे तो अच्छा है। हाथ से थोड़ा बहुत है, एक से 1.5 स्क्वायर फीट होता है, सैंपल बनाना है या कुछ करना है या छोटा मोटा कोई टेबल है या घर का कोई सामान है तब आप हाथ से कर सकते हो, या अलग से है कि बाहर ले जाके हम कर लेंगे तब हाथ से कर सकते हो, वरना अगर कोई बहुत बड़ा काम है तो स्प्रे से ही करें प्यू पॉलिश, ठीक है। और देखिए कितना सुंदर तरीके से इसकी ग्लोस इतना फर्स्ट क्लास है ना, देखो कितनी शाइनिंग है इसमें, इतनी ही शाइनिंग इसकी बरकरार रहेगी 15 से 20 साल तक। इसमें खर्चा तो है, आप ऐसा करवा सकते हो, लेकिन स्प्रे से, ब्रश और हाथ से नहीं।